यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। हम भी ठीक है, मैं शालू। और आज का सीन ऐसा है, आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं तो आज ये होने वाला है कि आज हमारे इस काके का है मुंडन। इस काके को हम लेके जाएंगे गंजा कराने। आज ये कचका का गंजा हो जाएगा। तो सब नहा चुके हैं, मम्मी भी, विवान भी, पापा भी, सब नहा चुके हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ। बस अब हम नाश्ता वाश्ता करके बाल बना के मैं अपने हम लोग निकलते हैं। ये हमारा काका है ना, ये बहुत शैतान है, बहुत ज्यादा शैतान है। सुनता नहीं, दादी को बहुत मारता है ये। गंजा हो जाएगा दादी की तरफ से। ये मेरा काकू तो सबसे ज्यादा शैतान है। दादी को मारता है बहुत ज्यादा ये। तो मैं गंजा हूँ भाई। तू बिद्रा, ये देखो, ये भी नहा धो के रेडी हो चुका है। वंशी हाय बोलो। हाय हाय वंश, बोलो। हेलो गाइस, ठीक है गाइस? तो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे आगे। आ रही हूँ आलू मटर की सब्जी नाश्ते के लिए। नाश्ता बन चुका है, नाश्ता दे देती हूँ पापा को। पानी ले लिया आपने अपना? और वंशु ने? तो गाइज यहाँ अभी सब रेडी तो हो चुके हैं, बट अभी सब अपने अपने काम में लग रहे हैं। क्या नहीं लिया वंशु ने? अरे गन यहीं रखो भाई, गन नहीं लेके जानी, गन यहीं रखो। हो गए रेडी? चले भाई गुग्गे। तो पानी की बोतल किसकी है? चले गुग्गे, चले भाई। क्या होगा, मैं गुग्गे गंजा है आज। चलो चलो। तो गाइज हम निकल चुके हैं माता के दर्शन करने के लिए और अपने काके का मुंडन कराने के लिए। आ गया है पेट्रोल पंप पे, हम पेट्रोल डला लेते हैं गाड़ी में। लंबा सफर है, पेट्रोल होना जरूरी है गाड़ी के अंदर। तो हमने तेल डला लिया है गाड़ी में। पापा जरा फ्रेश होने गए हैं टॉयलेट। दोनों बहुत दुखी कर रहे हैं, आगे बैठ तो गए हैं, बहुत दुखी कर रहे हैं। पापा को गाड़ी चलाने में दिक्कत दे रहे हैं। ओए आराम से बैठोगे वंशु? वंशु इधर तो देख ले अब। वंश आराम से बैठोगे? दादू को दुखी तो नहीं करोगे? अब आराम से खड़े होना, ठीक है? रास्ते में चिल्लाते हुए नहीं जाना, ठीक है? बहुत चिल्ला रहे हैं, दुखी कर रखा है इन लोगों ने। एक ये भी कम नहीं है। अभी आप गंजे हो जाएंगे देखना। हाँ गंजे हो जाएगा, गंजा। So guys, we are entered in Gurgaon. White metro? Gurgaon में white metro चलती है। White and blue. So guys, हम आ चुके हैं मंदिर में। अभी वंश काके का मुंडन करवाएंगे। बहुत भीड़ है आज, कोरोना खत्म हो गया तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। अब डरेगा, जल्दी कर दो। नहीं ना, डरेगा ना। ट्रिमर आवाज भी नहीं कर रहा ना इस वजह से। वाओ कितने क्यूट है, मजे ले रहा है कटिंग करने के। वाओ वंशु, वंशु के तोते उड़े हुए हैं। गुना कैसा लग रहा है? बस हो गया गुगू, गुगी हो गया। बस बस बेटा, हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे हाँ गाइस, ये बाल मैंने अपनी चुन्नी में लिए हैं क्योंकि मैं काके की बुआ हूँ, तो बुआ हाथ में लेती है झोली में बाल। तो क्यूट लग रहा है। वाह
मजा आ रहा है ना गुगी? तू बिल्कुल भी नहीं रोया, इतना अच्छा बच्चा है। जब वंशु का हमने करवाया था, वंशु बहुत रोया था हमारा वंशु, बहुत ज्यादा रोया था। गुगू बिल्कुल नहीं रोया, बिल्कुल भी। भाई ये हमारे पोते का मुंडन हुआ है, तो ये उसकी बुआ है। बुआ को मैं, मेरा मन बनता है बाकी लड़की को दे देंगे। गाइज यहाँ माता का प्रसाद बट रहा था, हम लेके खा रहे हैं क्योंकि हमें, मुझे बहुत पसंद है आलू पूरी। पापा भी खा रहे हैं, मम्मी और कनी का बाहर ही लेके खा रहे थे। गर्मी इतनी हो रही है, बस मुंह देख सकते हो आप मेरा। हम फाइनली घर से निकल रहे हैं, माता के दर्शन हो गया, काके का मुंडन हो गया। मजा इस बात का आया कि हमारा काका रोया नहीं बिल्कुल भी, मजा इस चीज़ का आया भाई। पर यह है कि जितनी एनर्जी सुबह थी आते वक्त, बच्चों में भी आ गए, बैठ के चिल्लाते हुए आए थे, उतना ही फुस हो गया। वो भी सो गया, वंशु भी, और वो भी सो गया। बस यही जगह हुआ है। गंजा अच्छा लग रहा है, बताना जरा कैसा लग रहा है गंजा? अब चलते हैं घर। आ चुके हैं, बहुत गर्मी थी, मेरी तबीयत से ख़राब हो रही है थोड़ी, सर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है क्योंकि मेरी साइड पे ही शीशे से धूप पड़ रही थी। टॉवर लगाने के बावजूद भी सर गर्मी से हो गए, एसी तो गाड़ी का ठंडा ही नहीं करता, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है। गाड़ी तेज़ चलती है तो ठंडक होती है, जैसी ट्रैफिक में रुकती है वैसी वो गर्म होने लग जाती है। तो अभी हम घर में आ चुके हैं। ये देखो गंजा अपना प्रसाद लिए खुद ही घूम रहा है, और ये भी खाने लग रहा है यहाँ पे। तो अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, सब सो थोड़ी देर आराम करेंगे क्योंकि अभी बज गए हैं 4, तो थोड़ी देर आराम करते हैं फिर देखते हैं उठेंगे। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, नीचे गिर जाएगा नहीं, नहीं। तो हम थक गए थे इतना, कोई सा भी सोया नहीं, वंशु तो ढीला सा हो गया था थोड़ा सा, उसको अभी दवाई पिलाइए। गर्मी बहुत थी इस वजह से थोड़ा बच्चे बहुत ढीले पड़ गए, ये कचोट ठीक। चाय आ चुकी है, चलो चाय पीते हैं। चाय ले लो मम्मी। ये दरवाजे के पीछे क्या कर रहा है? मुझे किससे? मामा आ गए, नानी आ गई, इसलिए मैं रुक गया था। अच्छा चलो आ जाओ, चाय पियोगे ना? नहीं आ जाओ फिर। ये देखो गाइस विवान कैसे फिंगर्स में लगा रहा है, इसका नया खेल शुरू है, ये फिंगर्स में लगा के खाएगा। विवान क्या कर रहा है? मैं फिंगर्स में लगा के टॉयलेट को खा लूं। अच्छा खा लो। गाइस अभी आपको विवान गाना सुनाएगा, गाना सुनाएगा ना विवान? तो मस्ती के बाद अब हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, तो सब खाना खा के अपने अपने कमरे में चले गए हैं। विवान भी सो गया है, आज बहुत थक गए थे इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो आगे बना नहीं पाई खाना वाना खाने वगैरह की। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बाय, गुड नाइट।